हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर साहिल, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम उदयपुर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, कितना टाइम लगता है। तो आप भी अगर इस फिजियोथेरेपी फील्ड में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिजियोथेरेपी फील्ड में आने के लिए पहला स्टेप होता है 12th साइंस स्ट्रीम में कम्प्लीट करना, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना इम्पोर्टेंट है। और ये फाउंडेशन आपके फिजियोथेरेपी करियर के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड स्टेप है, आफ्टर 12th कम्प्लीटेशन आपको बैचलर इन फिजियोथेरेपी के अंदर एडमिशन लेना होता है, जो कि 4 ईयर का कोर्स होता है। और आफ्टर बैचलर डिग्री आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना होता है, जिसके अंदर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर और आपका एक्सपीरियंस भी गेन होता है। दोस्तों, कुछ कॉलेज के अंदर बीपीटी के अंदर जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, लाइक नीट और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो कि कॉलेज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होती है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। दोस्तों, बीपीटी कंप्लीट करने के बाद में आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना होता है, इंटर्नशिप जो कि 6 मंथ का होता है। इसके अंदर आपको रियल लाइफ फिजियोथेरेपी केसेस देखने को मिलता है और पेशेंट हैंडलिंग में भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है। बीपीटी करने के बाद में अगर आपके करियर में अगर आप और स्पेशलाइजेशन चाहते हैं तो आप एमपीटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ये 2 ईयर का कोर्स होता है और इसके द्वारा आपका एडवांस स्किल डेवलपमेंट भी होता है और आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। बीपीटी और एमपीटी करने के बाद में कुछ स्टेट के अंदर आपका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी होता है, जो ये इंश्योर करता है कि आप एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट है। तो दोस्तों, आपको एक सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए टोटल टाइमिंग कितना लगता है? 4 ईयर तो आपको बीपीटी कोर्स में लग जाता है, 6 मंथ उसके इंटर्नशिप में लग जाता है, और अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, एमपीटी करते हैं, तो 2 ईयर उसमें लग जाता है। तो अप्रोक्सीमेट 6.5 ईयर के अंदर आप एक रजिस्टर्ड क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गया होगा कि एक सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।